हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अब सुबह के 7:45 बज गए हैं अभी, और आज का दिन है संडे। और आज जो है थोड़ा सा लेट ही उठे हैं, 6:30 बजे उठ गई थी आज मैं, क्योंकि ये संडे है तो फिर उतने ज़्यादा काम होते नहीं है। मतलब काम तो होते हैं संडे को भी, लेकिन यही है कि सुबह नहीं होते हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, कॉलेज में जाना नहीं होता है किसी को, तो बस जल्दी जल्दी काम करने की टेंशन होती नहीं है। आराम से करते हैं, आराम से उठते हैं तो भी चल जाता है। और 2-4 दिनों से ना ऐसे ही भाग दौड़ हो रही थी ना, तो फिर आज थोड़ा सा ना आराम से ही उठी हूँ। तो बस सुबह अपना ब्रश वगैरह किया, फ्रेश वगैरह होने के बाद सीधा ना अभी काम पर ही लगी हूँ। बस अपना गर्म पानी पिया था, एक्सरसाइज वगैरह नहीं की है आज, क्योंकि लेट उठते हैं तो फिर खुद के लिए टाइम मिलता नहीं है। तो वही एक एक तो सोना हो जाएगा, एक तो फिर अपने लिए टाइम मिल जाएगा, तो फिर आज सोना ही हो गया मेरा। तो बस देखिए, यहाँ पर झाड़ू लग गई है मेरी, तीनों रूम को झाड़ू लगा ली है मैंने, हॉल, किचन और जो खुशी सोती है ना जिस रूम में, उस रूम को झाड़ू लगा ली है। बस वहाँ पर वो पढ़ाई कर रही थी, उठ गई है तो फिर वहाँ पर मुझे उसने कैमरा ले जाने नहीं दिया, तो फिर मैंने रहने दिया, उधर का शूट नहीं लिया मैंने। और यहाँ पर देखिए, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अभी नहा लेती हूँ, तो नहाने के पहले वॉश बेसिन साफ़ कर लेती हूँ, बाथरूम वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, मतलब सभी कुछ ना क्लीन करने के बाद ही नहाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे बेसिन को साफ़ कर दूंगी मैं, और उसके बाद मैं कैमरा बंद कर दूंगी, क्योंकि जब मैं बाथरूम वगैरह साफ़ करती हूँ ना तो मैं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाती हूँ उसके बाद में। तो अभी कैमरा बंद करने के लिए मैं खुशी को बोल दूंगी कि बंद कर दे और लेकर जा मोबाइल, और कपड़े वगैरह जो है ना मैं पहले ही लाकर रख देती हूँ। तो बस सीधा अभी नहा लूंगी और उसके बाद ही किसी चीज़ को फिर मैं हाथ लगाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर नहाना वगैरह हो गया है मेरा, और जब मैं नहाने के लिए चली गई थी ना, तो उसके बाद फिर ये उठ गए थे ऋषभ के पापा, तो फिर खुशी को बोल दिया मैंने चाय बना के देने के लिए, क्योंकि वो रुकते नहीं है, उनको बस ब्रश करते ही चाय चाहिए होती है, तो खुशी बना लेती है। तो फिर बोल दिया खुशी को चाय बना कर देने के लिए, तो उसने बना कर दी है उनको चाय, और फिर मेरी चाय बननी बाकी थी, तो फिर मैंने अपने लिए यहाँ पर चाय बनाने के लिए रख दी है, और साथ में यहाँ पर दूध पर की मलाई भी निकाल ले रही हूँ। तो बस चाय पी लूँगी मैं, और उसके बाद फिर मैं नाश्ता बना लूँगी, और नाश्ते में मैं आज रवा इडली बनाने वाली हूँ, सांभर और रवा इडली। तो यहाँ पर देखिए, चाय बन रही थी मेरी, तो साथ में यहाँ पर ऋषभ भी उठ गया है, और उसको ना मच्छर ने काट लिया था, तो बस वो अपना सारे घर को दिखाएगा कि मुझे 2 मच्छरों ने काट लिया है। और यहाँ पर ना मैं उसको ये बोल रही थी कि आज ना उसकी स्कूल है, संडे स्कूल है आज उसकी, तो उसको जाने के लिए बोल रही थी मैं, उसका मन नहीं है जाने का। लेकिन क्या है ना, आज ना स्कूल में बहुत मतलब एंजॉयमेंट होती है, बच्चों की खेल कूद वगैरह अच्छे से प्रोग्राम होते हैं कुछ नए नए, तो मैं वही बोल रही थी उसको कि तू सैटरडे को छुट्टी ले लिया कर और संडे को जाया कर। ये तो मैंने पहले ही बोला था उसको कि तू सैटरडे की छुट्टी ले लिया कर और संडे को जाया कर, तो कल की छुट्टी तो ले ली उसने सैटरडे की, लेकिन आज उसका जाने का मन हो नहीं रहा था। तो बस मैं उसको फिर समझा रही थी आज जाने के लिए, तो अभी वो मान गया है तो चला जाएगा, 11 से 2 स्कूल है उसकी, तो चला जाएगा वो, क्योंकि कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं है, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो फिर कुछ ना कुछ उसको नया सीखने को भी मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर ऋषभ के डैडी के कपड़े प्रेस हो गए हैं, शर्ट प्रेस किया हुआ था उनका, बस पैंट ही करनी थी मुझे प्रेस, तो मैंने कर ली है। और अभी आप देखिए, पोछा लगा ले रही हूँ, सुबह झाड़ू लगाई थी मैंने, लेकिन मैं उतनी डिप में सुबह झाड़ू लगाती नहीं हूँ, बस हल्की फुल्की झाड़ू लगा लेती हूँ सुबह, बस इतना जरूरी होता है कि बासी झाड़ू निकालनी है घर की, तो बस जैसे तैसे झाड़ू लगा लेती हूँ। और अभी इस टाइम पर झाड़ू लगती है ना, तो वो डिप में लगती है, अच्छे से लगती है, तो फिर अभी पोछा लगाना सही रहता है। और मुझे जब सुबह पोछा लगाना होता है ना, तब मैं सुबह की भी झाड़ू अच्छे से लगाती हूँ, डिप में लगाती हूँ, क्योंकि जब तक अच्छे से झाड़ू लगी हुई नहीं होती है, तब तक पोछा भी ठीक से नहीं लगता है। और अभी देखिए, इस रूम की झाड़ू लगाना बाकी है अभी, खुशी ने सारे मतलब सारे घर को झाड़ू लगा ली, लास्ट का ये वाला रूम रह गया था, तो फिर बीच में इनको कुछ काम आया, तो फिर इनके साथ में खुशी को जाना पड़ा, और फिर उनके साथ में फिर ऋषभ भी चला गया, तो तीनों अभी चले गए हैं। और ये वाली रूम जो है ना झाड़ू लगाने की बाकी है, तो फिर अभी मतलब सारे काम बाकी है, साफ़ सफाई भी बाकी थी इस रूम की और झाड़ू भी बाकी थी, तो साफ़ सफाई भी थोड़ी सी कर लेती हूँ। बेडशीट जो है झटक कर ही बिछानी है, तो बेडशीट को भी झटक कर बिछा लूँगी और झाड़ू लगा लूँगी इस रूम की, और उसके बाद फिर पोछा लगा लूँगी, और पोछा लगाना भी मेरा इस रूम का ही बाकी है, बाकी सब पोछा लगाना भी हो गया है मेरा। और नाश्ता मैंने बना लिया था, नाश्ता करके गई है ये, और इडली बना ली मैंने और दाल चावल लगाए थे, तो सिंपल सी मैंने दाल फ्राई कर ली सांभर मसाला डाल के, तो सभी ने रवा इडली और सांभर का ही नाश्ता किया है, और मेरा नाश्ता बाकी है अभी। मतलब बनाते बनाते खुशी का नाश्ता हो गया, और फिर खुशी ने नाश्ता करने के बाद झाड़ू लगा ली थी, तो फिर मैंने सोचा पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ उसके बाद नाश्ता करूँगी, क्योंकि फिर करते करते देर हो जाती है और फिर घर में कचरा हो जाता है, फिर पोछा ठीक से नहीं लगता। तो देखिए, यहाँ पर मैं नाश्ता कर ले रही हूँ, सभी का नाश्ता हो गया था, मैं अकेली ही बाकी थी, और अभी घर में है भी नहीं कोई, बच्चे गए बाहर, ये भी गए बाहर, और फिलहाल यहाँ पर मैं अकेली ही नाश्ता कर रही हूँ। और अभी नाश्ता करने के बाद फिर किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी मैं, और मुझे खाना बनाना नहीं है अभी, क्योंकि आज फिर से वही है, भागवत कथा है गांव में, तो ये वही से वही जाने वाले हैं फिर से, और ऋषभ स्कूल में जाएगा तो उसको स्नैक ही लेके जाने हैं, तो फिर वो 2:30 2 बजे घर पे आएगा, तो उधर से आने के बाद फिर वो भी भागवत कथा में जाने वाला है उसके डैडी के साथ में, तो फिर मैं और खुशी ही घर पे है, तो फिर देखेंगे कि हमको क्या खाना है, क्या बनाना है, क्योंकि अभी इतनी देर से नाश्ता किया है ना, तो फिर भूख तो अभी लगी नहीं है, तो 2:30 2:30 बजे ही भूख लगेगी, तो फिर गरम गरम कुछ बना लेंगे और खा लेंगे दोनों माँ बेटी। और ये देखिए, ये वाला जो किराना है ना,
कल का बचा हुआ किराना है साथ में रात में लेकर आ गई थी ये। कल गांव में जो भागवत कथा थी तो उस कल का खाना ना हमारी तरफ से था, तो वही किराना वगैरह लाना पड़ा था वहाँ पर, तो फिर उसी में का कुछ बच गया था तो वही यहाँ पे रख दिया है। जो पैकेट फोड़े हुए नहीं थे, पैक थे, उनको मैंने डब्बे में डाल के रख दिया है, और जो पैकेट खुले थे ना उसको रबर लगा के यहाँ पर ड्रॉवर में डाल दिया है। और ये जो कैरी बैग है ना, इसमें बूंदी थी कल, बूंदी मतलब पंगत में ना बूंदी भी बनाई हुई थी, मीठी बूंदी, तो थोड़ी सी लेकर आई है घर पर ही, इनको बहुत पसंद आती है। तो मैंने कुछ ना मौसी को दी है, जो कपड़े धोकर गए हैं ना अभी मौसी, तो उनको थोड़ी सी दे दी है, और थोड़ी सी फिर मैंने घर पे रख ली है इनके लिए। तो यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह लगा लिए हैं, और ये जो बर्तन है ना कांच के ग्लास वगैरह, ये कल के बर्तन है, कल सुबह मैंने धोए थे सारे ग्लास वगैरह। कल लास्ट डे था ना संक्रांति के प्रोग्राम का, तो कल पूरा दिन मेरा ना घूमने में ही गया, और शाम में भी कुछ लेडीज घर पर आई थी, तो फिर पूरा दिन कल का ऐसे ही गया, तो बर्तन लगाने का वगैरह टाइम ही नहीं मिला मुझे। और रात में खाना भी नहीं बनाना पड़ा था कल मुझे, कल रात में ये भी खाना खा के आए थे उधर से, और टिफिन साथ में लेके आए थे, तो खाना मुझे बनाना नहीं पड़ा शाम में। खाना तो क्या, मुझे चाय भी नहीं बनानी पड़ी थी कल शाम में, क्योंकि मैं बाहर गई थी तो फिर उधर ही चाय पानी सभी कुछ हो रहा था, तो फिर घर में चाय मैंने नहीं बनाई। खुशी से पूछा, मैंने तुझे पीनी है क्या, तो उसको भी नहीं पीनी थी। और ऋषभ की डैडी और ऋषभ तो फिर गाँव में गए हुए थे, तो वो तो सीधा रात में घर पे आए हैं 8 बजे, 8 बजे नहीं, 8 बजे तक तो हमारा खाना हो गया था सभी का, 7 साढ़े 7 बजे आए होंगे वो, और 8 बजे तक हमने सबने खाना खा लिया था। तो बर्तन ना वैसे के वैसे ही रह गए पड़े वैसे। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो शेल्फ है ना, तो इसको साफ करना था ना मुझे बहुत दिनों से, तो नहीं हो रही थी, संक्रांति के पहले ही करनी थी मुझे, लेकिन वही है कि फिर मेरा पैर का प्रॉब्लम आ गया, तो फिर मैंने रहने दिया, क्योंकि फिर सारे एक्स्ट्रा के काम निकालूंगी ना, तो जो काम करने ज़रूरी है वो भी नहीं होंगे, इस वजह से रहने दिया था मैंने। तो आज टाइम है मेरे पास में, तो फिर अभी कर ले रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए शेल्फ साफ कर ली मैंने, और सारी जो बर्नी है ना वहाँ की तो खाली कर ली, और अभी काउंटर भी मेरा साफ हो गया है, और अभी यहाँ पर देखिए बर्तन करने बाकी है, मतलब जो बर्निया वगैरह है ना मेरे, तो वो करने बाकी है, तो अभी फटाफट से वो कर देती हूँ। सारी कुछ मैंने खाली करके रखी है, और पानी डाल के रखी थी यहाँ पे सिंक में, तो अच्छे से भीग गई है सारे बर्तन, तो फिर अभी फटाफट साफ हो जाएंगे। और मैंने नया स्क्रबर निकाला है, पुराना ना मतलब अच्छा है अभी, लेकिन बहुत पुराना हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं सिंक साफ करने के लिए रख लेती हूँ, और नया स्क्रबर बर्तनों के लिए हो जाएगा। लेकिन ना पहला वाला जो स्क्रबर था ना वो बहुत अच्छा था, अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि वो बर्तन बहुत अच्छे से साफ करता था, मतलब बहुत ही अच्छे से साफ करता था। और वो जो स्क्रबर है ना मार्केट में वैसा मिलता भी नहीं है, वो जो स्क्रबर है मुझे मिल्टन का, मैंने मॉप लाया था ना तो उसके साथ में फ्री आया था, तो तब से मैं वही यूज कर रही थी, लेकिन अब वो लग रहा है कि बहुत पुराना हो गया है, तो उसको ना सिंक साफ करने के लिए ही कर लेती हूँ, ठीक रहेगा उसी के लिए ये। तो देखिए यहाँ पर बर्तन वगैरह सारे हो गए मेरे, सारी बर्निया वगैरह साफ कर ली है मैंने, तो अभी बस नल के पीछे की जो दीवार है ना टाइल्स है, तो उसको साफ करना है, सूखे कपड़े से साफ कर लेती हूँ, क्योंकि जो छींटे उड़ते हैं ना बर्तनों के धोने के उसके, तो वो छींटे वैसे बैठ जाते हैं दीवारों पर, तो फिर बाद में ना वो रफ हो जाते हैं तो निकलते नहीं है। अभी सिंपल सा मैं सूखा कपड़ा भी घुमा लेती हूँ ना तो आराम से साफ हो जाएंगे, लेकिन जब रफ हो जाते हैं ना तो जल्दी निकलते नहीं है, बार बार घिसना पड़ता है। यहाँ पर ना खारा पानी है, खारा पानी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है मुझे, तो सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है मुझे। तो देखिए बर्तन वगैरह करने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ इस रूम में। ये जो साड़ी है ना जो मैंने पहनी थी संक्रांति के दिन, मतलब जिस दिन मैंने प्रोग्राम रखा था उस दिन, तो बस थोड़ी देर ना मैंने इसको धूप में रखा था कल, और अभी फोल्ड करके रख दे रही हूँ, क्योंकि ये वाली जो साड़ी है ना इसको ड्राई क्लीन करना पड़ता है, इसको धो नहीं सकते घर पर, तो बस ऐसे ही मैंने धूप में रखने दी 1-2 घंटे, और यहाँ पे उसको फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और ना साड़ी को 2-3 सेफ्टी पिन थी तो वो निकाल के रख दी है मैंने। मैं क्या करती हूँ जब मुझे साड़ी पहननी होती है ना, तो साड़ी पहनने से पहले ही मैं प्लेट बनानी होती है ना साड़ी की, तो पहले से ही उसको सेफ्टी पिन लगा के पिनअप करके रख लेती हूँ, तो पहनने में मुश्किल नहीं होती है साड़ी। नहीं तो ये जो वर्क की साड़ियाँ होती है ना बहुत मुश्किल होती है इनको पहनने में, क्योंकि जो पिन होती है ना सेफ्टी पिन जल्दी से घुसती भी नहीं है इसमें, तो पहले से थोड़ी सी पिनअप करके रख लेते हैं, और बाद में फिर लेके 2-3 प्लेट भी आ जाए ना पिन में और वैसे लगा लेते हैं ना, तो साड़ी निकलती भी नहीं है और पैक रहती है अच्छे से, और फिर मुश्किल भी नहीं होती साड़ी पहनने में। तो वही है कि थोड़ी सी तैयारी पहले से ही कर लेते हैं ना, तो काम जो है ना आसान हो जाते हैं, और ये वाली चीज़ है ना हमेशा काम आती है, हर जगह काम आती है, हर जगह पे थोड़ी सी तैयारी हम पहले से कर लेना, मतलब कोई भी फंक्शन होता है कोई भी काम होता है तो थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रख लेते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें मुश्किल नहीं होती है, वो टाइम अच्छे से निकल जाता है, नहीं तो फिर वही है कि टाइम पर ही हमारी परेशानी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर थोड़े से कपड़े हैं, तो फिर अभी कपड़े भी फोल्ड कर ले रही हूँ, थोड़े से ही कपड़े हैं आज के ही है, आज सुबह लेकर आई थी बाहर से, मतलब कल के कपड़े आज सुबह लाई हूँ। तो अभी देखिए अभी दोपहर के 2:15 बज गए हैं, और अभी ऋषभ और ऋषभ की डैडी आ गए हैं, ऋषभ की डैडी ऋषभ को लेने के लिए गए थे स्कूल में, तो दोनों आ गए हैं अभी, और दोनों को ना थोड़ा थोड़ा ही कुछ खाना है, क्योंकि अभी गांव में जा रहे हो तो गांव में खाना है, तो तब तक के लिए उनको थोड़ा थोड़ा ना खाना चाहिए, क्योंकि उनको छोटी छोटी भूख लगी है। तो ऋषभ की डैडी को मैंने ब्रेड और चाय दे दी है, और ऋषभ को मैं ब्रेड सेक के दे रही हूँ, क्योंकि वो चाय में ब्रेड नहीं खाता है, तो जो ब्रेड है ना तो मैं घी में सेक रही हूँ, क्योंकि बटर नहीं है, तो बटर नहीं होता है तो फिर मैं घी से ही काम चला लेती हूँ। और अभी मैंने ऋषभ के डैडी को चाय और
और ब्रेड दी है ना, तो उसके साथ में थोड़ी सी चाय मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी, और तो फिर मैंने भी चाय भी ली थोड़ी सी, और अभी जो है ऋषभ के लिए ब्रेड सेक रही हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को ये रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तो गुड बाय।